खबर बागपत उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश जनपद बता दी कि बागपत के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुछ नेतृत्व में 14 मई को जनपद बागपत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मुख्यालय तहसील न्यायालय में होगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागपत की प्राकृति सिंह प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 14 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन है, उसकी क्या तैयारी है और किसके लिए बागू गया आदेश निर्देशित किया गया है। जैसे कि सबको पता है 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन बागपत जिला न्यायालय में किया जा रहा है। यहाँ पे संपूर्ण तैयारी कर ली गई है, सबको प्रचार प्रसार करके यहाँ बागपत में जितने भी नागरिक हैं उनको सूचना दी गई है कि अगर उनका कोई वाद किसी भी न्यायालय में पेंडिंग है तो वो यहाँ पर आएँ, सुलह समझौता के आधार पर वो अपना वाद का निस्तारण करा सकते हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत चलानी भी निस्तारित की जा सकती है। इसी तरह के बाद जिनको वो सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित कराना चाहते हैं उनको न्यायालय में 14 तारीख को उपस्थित आएँ और निस्तारित कराएँ। कितने स्थानों पर जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन होगा? राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जाएगा। बागपत जनपद के तहसील है और ग्राम देखिए ये राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसका आयोजन जो न्यायालय है उससे संबंधित वाद वहाँ पे किया जाता है, तहसील में तहसील के पास जो प्रार्थना पत्र रहते हैं उनके संबंध में किया जाता है। ऐसे ही जो सेल्स टैक्स ऑफिस हैं या बैंक हैं उनमें जिस स्तर पे वो अपना सुलह समझौता के आधार पर करा लेते हैं वो किया जाता है।